खबर जबलपुर से, जहां पर धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। कलेक्टर की कार्यवाही से नाराज हुए पटवारी और पटवारी संघ ने मुलाकात करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने दो पटवारियों को निलंबित किया था। धान पंजीयन और भंडारण मामले में कार्यवाही की गई थी कलेक्टर के द्वारा, जिसके चलते अब पटवारी संघ ने मुलाकात करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर की कार्यवाही से पटवारी संघ नाराज है। धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़े के मामले को लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए दो पटवारियों को सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था। कलेक्टर की कार्यवाही से नाराज होकर पटवारी संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने दो पटवारियों को निलंबित किया था। धान पंजीयन और भंडारण मामले में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। और दुर्गेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पहले पटवारी की ओर से एक्शन लिया गया कलेक्टर की ओर से पटवारियों पर, लेकिन अब पटवारी संघ नाराज है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जबलपुर में धान खरीदी केंद्रों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें अब तक तकरीबन 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 2 पटवारी भी शामिल हैं। दरअसल जो नए कलेक्टर आए हैं दीपक सिस्टना, उन्होंने जब पूरी जानकारी की तो उन्होंने हालिया में एक SDM और एक पटवारी के खिलाफ जो है आरोप पत्र तय किए और इसके साथ 2 पटवारियों को सस्पेंड भी कर दिया। अब इन पटवारियों का ये कहना है कि दरअसल जो खरीदी केंद्र पर फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें पटवारियों का कोई लेना देना नहीं हुआ, क्योंकि पटवारी जो है बहुत जमीन स्तर का कर्मचारी होता है। जो खरीदी केंद्रों की देखरेख करते हैं वो खाद्य विभाग के अधिकारी होते हैं, SDM लेवल के अधिकारी होते हैं, और ऐसे अधिकारी को दिशा निर्देश पर ही कार्रवाई होती है। तो ऐसे में पटवारियों के ऊपर कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन चूंकि फर्जीवाड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है, राजस्व को उल्टा लगाने का काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन सख्त है। और ये जिला प्रशासन लेवल पर नहीं हो रही बल्कि भोपाल स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही, क्योंकि पूरी जांच पड़ताल जो है भोपाल से आई टीम ने की थी और उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। यहाँ तक कि यह हुआ है कि जिन खरीदी केंद्रों को बनाया ही नहीं गया था, जिन वेयरहाउसों को, वहां पर भी फर्जी तरीके से खरीदी केंद्र बना दिए गए और वहां पर धान खरीदी शुरू हो गई थी। तो निश्चित तौर पर इसमें अब ये कार्रवाई जो हुई है, पटवारी संघ नाराज है। पटवारियों का ये कहना है कि क्योंकि पटवारी के हाथ में कुछ होता नहीं है, ना निर्णय लेने का अधिकार होता है और ना ही निर्देश देने का, तो ऐसे में उच्च अधिकारियों पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पटवारी लेवल के अधिकारियों। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर रतलाम से है, जहां पर ब्रिज से उतरते समय